ये मोतीचूर के लड्डू बिना झारे के मैं बनाकर तैयार करूंगी। इतना स्वादिष्ट मार्केट जैसा बनके तैयार होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मोतीचूर के लड्डू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि अल्लाह की दुआओं से आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी है बिना झारे के बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा। चलिए, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोतीचूर के लड्डू मार्केट जैसे बनाकर तैयार करेंगे। चलिए, मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पे मेजरिंग कप का एक कप बेसन ली हूँ। बेसन यहाँ आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, बस एक बार उसे छान लें। छान लेने से क्या होता है, इसका अंदर जो कुछ कचड़ा रह जाता है तो ये हट जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, पहले छान लेंगे। अब मैं ये बेसन को मैं छान चुकी हूँ। मैं यहाँ पे एक कप पानी लेकर आई हूँ। बस इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, नमक सोडा वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ बेसन ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे आप एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसे मैं इस तरह का थिक कंसिस्टेंसी में आ चुका है, इसे इसी समय में थोड़ा सा अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होता है, हमारा बूंदी जो है फुली फुली सी बनती है। अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद में इसमें और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। इसका सही कंसिस्टेंसी किस तरह का होगा मैं आपको दिखाऊंगी। एक कप पानी से थोड़ा पच चुका है। यहाँ का कंसिस्टेंसी किस तरह का है देखिए, इस तरह का पतला घोल, बिल्कुल भी एकदम से पतला नहीं करेंगे। लास्ट में देखिए ड्रॉप 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 पड़ रहा है, तो इसका मतलब सही कंसिस्टेंसी इसका चम्मच का जो बैक साइड में इस तरह का होना चाहिए। बस इसे आप क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं साइड पर। यहाँ मैं बिना झारे के बूंदी बनाकर तैयार करूँगी। यहाँ पे मैं ली हूँ ये छोटे वाला तेल वाला जो पैकेट आता है, ये हाफ लीटर का है, तो इसका मैं ऊपर वाला पार्ट काट चुकी हूँ। यहाँ पे अभी छेद नहीं करी हूँ। अब इसे छेद करने के लिए क्या करेंगे, एक कप या ग्लास के अंदर में इसे इस तरह से फंसा लेंगे। इसे इस तरह से इसके अंदर में बैटर डाल लेंगे। इसे डालकर इसे क्या करेंगे, इसे आप क्या करेंगे, इसका ऊपर में एक रबर बैंड लगा लेंगे। इस तरह से रबर बैंड लगा लेंगे, इसे ऊपर में लगा लेंगे, अच्छे से पैक कर लेंगे, इस तरह से रख लेंगे। अब चलते हैं, तेल चढ़ा लेंगे गर्म होने के लिए, उसके बाद बूंदी डालने के लिए छेद करेंगे। कितना बड़ा छेद करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तेल हमारा चढ़ा चुके हूँ गर्म होने के लिए। यहाँ पे छोटा सा एक छेद करेंगे, बिल्कुल छोटा सा, बस इतना सा ही छेद करेंगे। बस इस तरह का छेद कर लेंगे। अब तेल हमारा अच्छा गर्म हो जाने के बाद में इसमें आप डालेंगे हमारा लड्डू का बैटर। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे बूंदी, हल्का सा प्रेस करेंगे, बस इसे इस तरह का डालेंगे। बस जिग जग आप हाथ हिलाते रहें और आपकी बूंदियाँ तैयार होते जाएगी। ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हल्का सा। देखिए कितनी गोल गोल बूंदियाँ हमारा बन रही है। ये तो बहुत ही छोटी छोटी बूंदियाँ हो रही है, तो इसे निकालेंगे कैसे, अब इसे क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे, इसके अंदर में इसे डालकर इसे निकालेंगे। अगर आपके पास छोटी वाली छन्नी हो, मेरे पास नहीं है, तो मैं ये बड़ी वाली छन्नी में छान कर इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से सारे बूंदियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए तेल के अंदर एक भी बूंदी नहीं है, इस तरह से छान कर निकालेंगे। देखिए गोल गोल छोटी छोटी बूंदियाँ बन के तैयार हो चुका है। अब इसे रख लेंगे, इसी तरह से सारे बूंदियाँ निकाल लेंगे। अगर आप इसे झारे से निकालेंगे तो ये क्या होगा, झारे के अंदर में फंस जाएगा या उसे
सारे बूंदियाँ छन कर तैयार नहीं होगा, तो इसी तरह से छन कर निकालें कि आपका बूंदियाँ भी आराम से निकल आएगा। चलिए सारे बूंदी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे बूंदियाँ बन के तैयार हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से मोतीचूर के बूंदी हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब चलते हैं, इसे साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। हमने बेसन लिए थे 1 कप, तो चीनी लेंगे 1 कप भरकर, एक कढ़ाई में डाल लेंगे और 1/3 कप लेंगे पानी, 1 कप से थोड़ा सा कम लेंगे, बस इतना सा ही लेंगे पानी। और इसे रख लेते हैं चूल्हे पर। चूल्हे को कर लेंगे ऑन और इसे पकने देते हैं। इसके अंदर में डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, इसके अंदर में डाल लेंगे और थोड़ा सा इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे जो है चीनी हमारा जल जाएगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सा पकाएंगे। कितना पकाना है ये भी आपके साथ में शेयर करूंगी। अब इसे मार्केट जैसा कलर लाने के लिए थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। चाशनी में अच्छा उबल आ चुका है। आप सोच रहे होंगे इसे कितना पकाना है, इसे कितना पकाना है। गुलाब जामुन की चाशनी जिस तरह का होता है, तेल छूने पर जिस तरह का चिपचिपाहट आता है, उसी तरह का ही बनाएंगे। एक तरह की चाशनी नहीं बनाएंगे और थोड़ा सा कुछ सेकंड ही पकाएंगे बस। और कुछ सेकंड ही पका लेने के बाद ये परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब फ्लेम को मैं लो कर चुकी हूँ। हमारा चाशनी बिल्कुल भी तैयार हो चुका है। ये देखिए ऑलमोस्ट एक तार होने वाली हो, इस तरह का हमें चाहिए। अब इसमें डालेंगे हमारा बूंदी डाल लेंगे। इसी समय में फ्लेम को लो ही रखेंगे, बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे। तो इसे क्या करेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए बूंदियाँ डालकर इसे पका लेंगे और इसे ढक लेंगे आधे घंटे के लिए। सारे बूंदियाँ डाल लूँगी, डाल चुकी हूँ और इसे चला लेंगे। फिलहाल तो इसका कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जब जैसे जैसे रेस्ट करता जाएगा इसका कलर इसमें छोड़ता जाएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा, मार्केट जैसा कलर आएगा। इसे 1 से 2 मिनट इसे पका लेंगे और इसे ढक लेंगे। लो फ्लेम पर ही पकाएं, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे। इतना अच्छा कलर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। आप सोच रहे होंगे कितना गीला है, ये सारा बूंदी जो है सारा चाशनी को सोख कर लेगा। 2 मिनट हो चुका है, मैं अब चूल्हे को बंद कर लूँगी और इसे चला लेंगे। चलाकर इसे रेस्ट के लिए ढक लेंगे, इसका लेड लगा लेंगे। बीच बीच में इसे बस चलाते रहें थोड़ा थोड़ा समय के बाद में। मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो चुका है, मैं इसे बीच बीच में चला रही थी, तो ये थोड़ा सा मतलब ये बिल्कुल भी हमारा जो चाशनी है उसे सोख कर चुका है। और इसके अंदर में 1 चम्मच भरकर मैं देसी घी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका जो देसी घी से आप जब इसे बूंदी छानेंगे तो देसी घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे तेल पर छानी हूँ तो इसलिए मैं देसी घी ही ऐड कर रही हूँ, जो इसके अंदर में अच्छा घी का फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें मगज़ के बीज ही डाला जाता है, मार्केट में तो मगज़ के बीज से ही बनाया जाता है। अगर आप और कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हो तो इसे डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। मैं यहाँ पे काजू, कतरा हुआ काजू इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मगज़ के बीज भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा मगज़ के बीज भी डाल लेंगे और इसे चला लेंगे। चलाकर इसे बनाते हैं हमारा मोतीचूर के लड्डू। अच्छे से बूंदी हमारा फूल कर तैयार हो चुका है। देखिए अब लेंगे थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और बनाएंगे बूंदी, सॉरी लड्डू। इसे लेंगे थोड़ा सा पोर्शन हाथों में ले लेंगे
किनारे से। आप जितना इसका साइज बनाना चाहते हो छोटे बड़े, मैं तो छोटे छोटे ही बनाऊंगी। इस तरह से मार्केट में तो मिलता है इसी तरह ना, तो मैं इसी तरह से ही छोटे छोटे ही बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए हमारा मोतीचूर का लड्डू बनके तैयार हो चुका है। कितना स्वादिष्ट दिख रहा है ना, इसका साइन देख रहे हैं। सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना मार्केट जैसा लड्डू, मोतीचूर के लड्डू मार्केट में इसी तरह इसी कलर का भी मिलता है। चलिए सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे लड्डू बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए फर्स्ट से कितना साइन वाला, कितना अच्छा लड्डू बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मगज के बीच इसे ऊपर से लगा लूँगी। ये ऑप्शनल है, इसे आप अपनी मर्जी से सजाएं, कोई इशू नहीं है। बिना इसे मगज के बीच के भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह से इसे सजा लूँगी और इसका पास से टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट बना हुआ है। देखिए जूसी जूसी और सॉफ्ट ये लड्डू हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे चेक कर बताती हूँ लग रहा है कैसे, लग कैसे रहा है। बिना झारे के मोतीचूर के लड्डू मार्केट जैसे कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। यहाँ पे बहुत आसान तरीके से बनाकर तैयार की हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब मैं चेक कर बताती हूँ लग रहा है कैसे। बहुत ही जूसी, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुआ है। यहाँ मार्केट जैसा लड्डू बनके तैयार हो चुका है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।